एवरीबडी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन्स के बारे में। प्रेगनेंसी का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, मल्टीविटामिन्स जो होती है ना वो मोस्टली आपको डॉक्टर्स जो है ना वो एडवाइस करते ही हैं, या मैं कहूँ कि देते ही हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि मल्टीविटामिन्स होती क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, ये इस मल्टीविटामिन्स लेने की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है और आपको कब मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डोजेस क्या हैं। तो चलिए वीडियो। मल्टीविटामिन एक्चुअली में है ये कि एक डाइटरी सप्लीमेंट है, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मेडिकेशन नहीं है, हम इसे मेडिसिन नहीं बोलेंगे। ये एक सप्लीमेंट होता है, डाइटरी सप्लीमेंट होता है। क्या होता है ना कि हम लोग हमारी डाइट में इतना विटामिन्स जितना हमारी बॉडी को नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, उतना नहीं ले पाते हैं। स्पेशली वो लोग जो वेजिटेरियन हैं या ऐसे लोग जो साल में एक या दो बार ही नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोगों में भी। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें मल्टीविटामिन्स जो हैं वो एडवाइस किए जाते हैं, या आजकल सभी लोग जानते हैं कि उन्हें मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। इसमें होता क्या क्या है, तो ये जो होते हैं ना वो हर फॉर्म में, किस फॉर्म में अगर हम बात करें ये अवेलेबल होते हैं, तो मल्टीविटामिन्स हर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आपको ये टैबलेट के फॉर्म में मिल जाएंगे, कैप्सूल्स मिल जाएंगे, आपको इसका पाउडर मिल जाएगा, देन आपको लिक्विड, इसके लिक्विड फॉर्म भी मिल जाएंगे, मतलब सिरप वगैरह के फॉर्म, देन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें कि इंजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली गांव वगैरह में उन्हें इंजेक्शन लगा दो और उनका हर बीमारी ठीक हो जाती है। ओके, तो इसीलिए इंजेक्टेबल फॉर्म में भी मल्टीविटामिन्स आते हैं। देन बात करते हैं कि इसके कंपोजिशन में क्या क्या होता है। तो मल्टीविटामिन्स के कंपोजिशन में आपको मिलेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में आपको इसमें बी वन भी मिलेगा, बी टू मिलेगा, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन, विटामिन बी ट्वेल्व, साथ ही साथ आपको मिलेगा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी टू या फिर डी थ्री रहेगा, साथ में इसमें रह सकता है पोटेशियम, पोटेशियम, विटामिन के, जिंक वगैरह होगा एंड कैल्शियम भी होगा। तो ये सब अलग अलग मल्टीविटामिन्स के जो कंपोजिशंस हैं ये सारे कंपोजिशन में रहता है, बट कुछ होते हैं जो सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ विटामिन सी और ए, ए डी ई वगैरह भी ऐड करते हैं, कुछ उसमें मिनरल्स भी ऐड करते हैं, कुछ जिंक और पोटेशियम ऐड करते हैं। तो ये तो आपको मल्टीविटामिन के पैक के पीछे देख के मिले पता चलेगा। देन अब बात करते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वेजिटेरियन हैं लोग, उनकी डाइट में इतना वो नहीं ले पा रहे हैं फूड जितना उन्हें रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उन्हें मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ रही है। उसके अलावा लो कैलोरी डाइट पे है अगर कोई, तो उसे भी मल्टीविटामिन्स लेने होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो आपको मल्टीविटामिन्स लेने होंगे। आपका वेट बहुत कम है तो भी आपको मल्टीविटामिन एडवाइस किए जाएंगे। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मल्टीविटामिन्स जो है ना वो फीमेल को एडवाइस किए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की बॉडी में कोई कमी ना हो और आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसीलिए अगर किसी ने, आजकल बहुत कॉमन है वेट लॉस सर्जरी, ओके, तो अगर वेट लॉस सर्जरी करवाई है तो उसके बाद ऑफकोर्स आपको लो कार्ब, लो कैलोरी डाइट में रहना पड़ता है, जिसमें पूरे विटामिन्स आपके खाने से मिल पाना इज़ इम्पॉसिबल और पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्यों आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अगर आप बहुत थकान फील करते हैं ना और आप एक मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट कर देना, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी आता है, तो उसे क्या होगा कि आपको बहुत, मतलब बूस्ट अप करेगा आपकी एनर्जी लेवल को, ये बूस्ट अप करता है, इसीलिए आपके वेट गेन में आपको हेल्प करता है। अगर आपका वेट लो है तो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, हर चीज़ में बहुत बेनिफिशियल होता है विटामिन्स, क्योंकि बेनिफिशियल होते हैं इसलिए ऑफकोर्स मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी बेनिफिशियल होता है। बट अगर मैं बात करूँ नेचुरल की, तो नेचुरल लेना ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर आपको वहाँ से नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी इक्वली अमाउंट में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देन ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रिस्क, कैंसर के रिस्क को ये रिड्यूस करता है, बट इसके लिए कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी तक, बट लेने से होता है। इसके अलावा ये आपके आईसाइट्स, और विटामिन ए की कमी डेफिशिएंसी के कारण आईसाइट्स जो है वीक होती हैं, विटामिन ए अगर हम लेंगे, रेगुलर इंटेक लेंगे, तो हमारी आईसाइट्स जो रहेंगी वो वीक नहीं होंगी। एनर्जी लेवल जैसे कि मैंने कहा कि ये करके रखता है, साथ ही साथ प्रिवेंशन करता है ये बहुत सारी हाइपरटेंशन डिजीजेस वगैरह से।
अब बात करते हैं कि इसके डोजेस क्या लेने हैं। तो विटामिन्स के जो डोजेस होते हैं ना, वो वेरिएबल होते हैं। ओके, हर किसी को मल्टीविटामिन का सेम डोज हम नहीं दे सकते। आपकी हाइट, आपके एज और आपके जेंडर जो भी आपका सेक्स है, उसके हिसाब से आपको जो है विटामिन्स दिए जाएंगे। कौन से मल्टीविटामिन्स, आपका वेट कितना है, ये भी देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़, तो इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा एंड देन लेना होगा। और अगर खुद लेना चाहते हैं तो सुबह शाम एक टैबलेट ले लीजिए या एक एक कैप मल्टीविटामिन ले लीजिए। कितने mg है उसमें ये ज़रूर देख लीजिएगा, तो भी चलेगा। देन बात करते हैं उस बेस्ट मल्टीविटामिन की जो आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा है। मेरे पास यहाँ पे ये LDD बायोसाइंस का विटामिन डी है, कैल्शियम एंड अल्फ़ा है, ये देख लीजिए आप। ये है विटामिन LDD बायोसाइंस का विटामिन डी कैल्शियम अल्फ़ा है। इसकी पिक भी मैं लगा दूँगी, थोड़ा उल्टा आ रहा है। इसमें है आपको बहुत सारी मेडिसिंस मिल जाएंगी, साथ ही साथ क्योंकि ये मल्टीविटामिन है, इसमें आपको कैल्शियम मिल रहा है, इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा है, तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट अप करेगा। प्लस आप जो फीमेल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है ना कि जो आपकी बोन्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, तो उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये सबको रिस्टोर करता है एंड ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है हेयर लॉस में भी सब में। इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, अल्फ़ा अल्फ़ा वगैरह, कैल्शियम, इसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा, सारे विटामिन सी, विटामिन B6 है, विटामिन ई है, विटामिन B3 है और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें। जिंक मेट है वगैरह है इसमें, आपको पोटेशियम आयोड मिल जाएगा इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। इसका कंपोजिशन भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें आपको हर चीज़, वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए रहती है। इसमें आयरन भी है। ओके, मल्टीविटामिन्स का भी हमने जो कंपोजिशन देखा उसमें आयरन बहुत कम ही होते हैं जहाँ मल्टीविटामिन में आपको आयरन मिलता है, बट इसमें जो है ना आयरन भी है और आयरन आपको मिलेगा 8 mg। एक जो फिल्म कोटेड टैबलेट, एक टैबलेट में 8 mg आपको आयरन मिल रहा है। ओके, बहुत अच्छी क्वांटिटी है और बहुत अच्छी इसमें है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स 250 rupees का बस है ये, एंड 250 rupees में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। और साथ ही साथ इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, तो इसे यूज़ करके ज़रूर देखिए। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भी खुद डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिल जाए। थैंक यू।